से के ललना के बिन सजना अंगना सुनो पलना लगी है कि पुत्र के बगैर किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। ललना के बिन सजना ललना के बिन सजना मलना सुनो सजना ललना के बिन सजना मलना सुनो अंगना। समझाती ही बोली है स्वामी बिना पति बिना पुत्र के हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। याद रखना कृषा आज पति को समझा रही है कि बिना पुत्र के नारी का सम्मान नहीं है इस दुनिया में। और हकीकत में जिस के घर में संतान नहीं होती है वो घर विहूना सूना होता है। लेकिन समय का चक्र प्रकृति के नियमानुसार पता नहीं सुख और दुख दुनिया में लगे रहते हैं। कब और किस वक्त प्राणी का जीवन बदल जाए लेकिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है कृषा का जीवन दुखों की अग्नि में जलता जलता समय के परिवर्तन के अनुसार जब और समय व्यतीत हुआ है और समय व्यतीत हुआ लेकिन समय बढ़ता चला गया। और जब समय बढ़ता चला गया तो याद रखना मेरे भाइयों समय दुनिया में इतना अनमोल है। पता नहीं कौन से वक्त कौन से समय में प्राणी का जीवन बदल जाए लेकिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तब के दिन दिन पारी प्रीति और करी जन रीत पिया संग भारी फिर गर्भ धारण करी गई रे बात सागो इधर याद रखना जब समय धीरे धीरे
व्यतीत हुआ है तो कृषा माने गर्भ अवस्था को प्राप्त किया है, लेकिन समय बीतने के बाद घर में, क्योंकि मैंने बताया है ये जीवन इतना परिवर्तनशील है, पल पल में बदलता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। प्राणी के जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन याद रखना जब कृषा मैया ने गर्भ अवस्था को प्राप्त किया है, गर्भ धारण किया है, समय बीतने के बाद कृषा माँ के आंगन में जब समय हुआ है तो कृषा मैया ने उन आंगन में एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। और जब कृषा माँ ने सुंदर से बालक को जन्म दिया है तो कृषा के परिवार के लोग बहुत मगन हुए। पहले तो घृणा करते थे कि उधर से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जब पुत्र प्राप्त हुआ तो बड़े मगन, बड़े खुशी हुए सब लोग।